आप भी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे, आखिर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की जरूरत क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत क्या है। ये बात तो हमें तब समझ में आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यहां काम से मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जब मुश्किल घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार ही हमारे काम आता है। लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को वीडियो में बताए गए रूल्स को देखकर सीखा जा सकता है। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। डेल कार्नेगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है, सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आप सच में चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सके, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। रूल वन, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे उसकी यह बात मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। यह इंसान अपना मुंह बंद करके खाना ही नहीं पाता। मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद कर क्यों नहीं खाना खाते हो? इतने बड़े हो गए अभी भी बच्चों की तरह खाते हो? जानवरों की तरह क्यों खाना खाते हो? यह मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा, हां यार सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूं, आज से मैं इंसानों की तरह खाना शुरू दूंगा? निश्चित ही नहीं, उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेंट करते हैं, ये होप करते हैं वह अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। अब जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया वह वास्तव में चेंज हो गए? ज्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट न तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वो ये सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पथी नहीं है। हम लोग दूसरे का नजरिया समझ नहीं सकते। कभी भी ऐसा मत सोचिए, आप दूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल और कल्चर्ड हैं। हम सब लोग एक ही तरह के हैं। बस आपको भी दूसरों से बात करते समय यह चीज याद रखनी होगी। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा यह याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वह इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? इसके अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हैं। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा यह याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वह इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? इसके अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ किसी को भी क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, किसी को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना। दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाएंगे, दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। रूल टू, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। आपको किसी दूसरे से बात करने से पहले यह सीक्रेट पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी कोई कुछ करता है एक फंडामेंटल चीज है, और वह यह है कि उन्हें उसे करने का मन होना चाहिए। तो आप उन्हें किसी काम को करने का मन कैसे करा सकते हैं? उनको कुछ ऐसा देकर जिसकी उन्हें जरूरत है। इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे।
हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए। समानतया कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो जैसे चाहता था वैसे पहन लेता था। एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ा लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वह मुझे डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं भी उनसे बहस करने लगा, उनको सारे रीजन बताने लगा मैं गलत क्यों नहीं था। उन्होंने मेरी किसी बात को न सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहे। दूसरे दिन मेरे उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ा उसी सेम इश्यू के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ स्माइल किया, फिर टीचर से कहा, हां सर हम समझ रहे हैं, आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूं। फिर वह टीचर ने एकदम से हंस दिए, उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखा, उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से, उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह बस एक फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इंपॉर्टेंट फील करा दिया, इसलिए उनका सारा गुस्सा भी शांत हो गया, वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। ये चापलूसी करने से कुछ अलग है, चापलूसी करना ऑनेस्ट नहीं होता, यह बहुत सेल्फिश काम होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए, दूसरों के अंदर अच्छी चीजों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसे बताना सीखिए। अक्सर शादियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे लैक ऑफ अप्रिशिएशन कहते हैं। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए, उन्हें सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे, फिर वह आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। रूल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वॉन्ट। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए, उनको दिखाइए कि वह अपनी विशेष को कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं वह सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, शादी करते हैं क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, यहां तक कि लोग चैरिटी को पैसे देते हैं। वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फलेस हैं, बल्कि इसलिए कि वह अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं। उन्होंने किसी की मदद कर दी, उनको तो यह भी फर्क नहीं पड़ता उनके पैसे कहां जा रहे हैं, वह सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूं। एक फनी इंसिडेंट हुआ था एंड्रू कार्नेगी के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे। उनकी बहन के दो बच्चे थे जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह बहुत परेशान थी, उनके बच्चे वापस लेटर नहीं लिख रहे। तब एंड्रयू ने कहा कि वह जरूर उनको रिप्लाई करवा देंगे। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर के एंड में लिखा कि मैं इस लेटर के साथ $5 अटैच कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने वह पैसे अटैच नहीं किए। कुछ ही दिनों में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा, उनको पैसे नहीं मिले। यह थोड़ी सी फनी स्टोरी है, लेकिन यह ह्यूमन की एक फंडामेंटल चीज को बहुत अच्छे से समझाती है। वो चीज है कि जैसे ही आप किसी की नीड के बारे में बात करेंगे उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। ऑथर ने एक और एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दिया, उन्होंने इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया। वह एक होटल में क्लासेस लिया करते थे। एक दिन होटल के मैनेजर से उनको एक नोटिस मिला, उनका रेंट 300% बढ़ा दिया जाएगा। अब वह नॉर्मल लोगों की तरह उनके ऑफिस में जाकर बवाल कर सकते थे, लेकिन वह शांत होकर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने गए। उन्होंने कहा कि एक एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि हाल खाली रहेंगे तो आप कभी भी किसी को दे सकती हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव इवेंट्स कराकर ज्यादा पे सकमा लेन, लेकिन डिसएडवांटेज यह रहेगा आप मुझसे कोई पैसा रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो रेंट नहीं पे कर सकता, मैं तो चला जाऊंगा। इसके अलावा जितने लोग मेरा लेक्चर सुनने आते हैं वो सब आपका होटल देखते हैं, आपकी फ्री पब्लिसिटी होती है। अगर यहाँ लेक्चर नहीं होंगे तो लोग आपके होटल के बारे नहीं जानेंगे, वो कभी यहाँ आएंगे भी नहीं। अगले दिन उनसे कहा गया कि उनका रेंट सिर्फ 15% बढ़ाया जा रहा है। वह यह सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे की नीड्स के बारे में बात की थी।
आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को वैल्यू कैसे दी जाए। उनके लिए वह चीज इंटरेस्टिंग बनाइए, ऐसा सोचिए कि उनको क्या चाहिए, फिर आपको किसी से भी हेल्प मिल जाएगी। रूल 4, टू मेक एनीवन लाइक यू। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि वह आपको लाइक करें। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही लाइकेबल होते हैं। ये लोग तो पैदा होते ही बहुत चार्मिंग थे, लेकिन हम बाकी लोगों को ये सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ती हैं। इन पॉइंट्स के बारे में जानकर आप किसी से भी अपने को लाइक करवा लेंगे। 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मैं हमेशा से बुक्स, साइकोलॉजी और दूसरी नई चीजों सीखने में इंटरेस्ट रखता था। ये मेरा पैशन था। मैं जब भी किसी से मिलता तो हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करता था। मैं ये सोचकर करता था, जब मैं बात कर ही रहा हूं तो बकवास चीजों के बारे में बात करने से अच्छा है मैं उन चीजों के बारे में बात करूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जरा ध्यान से सोचिए, यह एक बहुत सेल्फिश तरीका है। इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने एक पार्टी में एक अजनबी से बात की। वह बार बार अपने म्यूजिक के पैशन के बारे में बोलता जा रहा था, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उस आदमी के प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने के बावजूद मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे वह आदमी पसंद ही नहीं आया। वह इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ, अब तक मैं भी यही करता आ रहा था। तब मैंने सोचा कि मुझे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं म्यूजिक के बारे में उससे पूछने लगा, उसने म्यूजिक की शुरुआत कैसे की, अब तक कहां कहां परफॉर्म किया, आगे उसके क्या गोल्स हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न। इस कॉन्वर्जेशन के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान था, लेकिन मैंने तो उसे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। ज्यादा टाइम तो सिर्फ उसी ने ही बोला था, लेकिन मैंने उसकी पर्सनैलिटी में एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए उसको लगा कि मैं भी एक इंटरेस्टिंग इंसान हूं। इसके बाद उसने मुझे एक कॉन्सर्ट के फ्री टिकट दिए। ये ऐसा बेनिफिट था जो मुझे नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। 2, स्माइल। आपको दूसरों को देखकर खुश दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखकर खुश हो, तो यही चीज आपको उनके लिए भी करनी होगी। इसका सबसे इजी तरीका है, आप उनको देखकर स्माइल करिए। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, वह आपको देखकर स्माइल करता है, तो आप भी उसकी स्माइल को रिटर्न करते हो। हम इंसान भी इसी तरीके से वायर्ड है। जब भी कोई हमें देखकर स्माइल करता है तो हमारे अंदर से भी अर्ज आता है हम भी स्माइल करें। अब आप सोच रहे होंगे, मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो ये बहुत सिंपल है, बस आप अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करिए। काफी स्टडीज से ये पता चला है, बस खुशी को एक्ट करने से या फेक स्माइल करने से आप हैप्पी हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप पहले से जानते हैं, तब फौरन स्माइल मत करिए, बस थोड़ी देर रुककर उनकी शक्ल देखिए, जैसे आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्माइल करिए। इससे उन्हें लगेगा वह स्पेशल है, आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल की है, इसे बार बार मत करिए। 3, बी अ गुड लिसनर। एक बार मैंने टैक्सी हायर की। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, ड्राइवर ने मुझे हे किया और मेरा नाम पूछा लिया। उसके बाद बस छोटी मोटी बातें होने लगी। ड्राइव के आखिर में मैं सोचने लगा, यह ड्राइवर तो बहुत अच्छा इंसान है। फिर मैंने ध्यान से सोचा कि उसने मुझसे कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं की। इनफैक्ट वह तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया। वह बार बार कॉन्वर्जेशन में मेरा नाम बोलता गया। हमेशा याद रखिए, एक इंसान का नाम सबसे स्पेशल वर्ड होता है। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी हर चीज आपके नाम से ही अटैच होती है। ज्यादातर लोग अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यह बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है। जब आपने किसी से उनका नाम पूछा, फिर थोड़ी ही देर में उसे भूल जाएं। ऐसे ही जब आप किसी कस्टमर केयर में बात करते हैं, तो उधर से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम आशी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? तब अगर आप रिप्लाई करें, हेलो आशी, हाउ आर यू, फिर आप अपनी समस्या उनके साथ शेयर करें, तब आप एक प्रभावशाली तरीके से अपनी समस्या हल करवा सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी दिन भर के काम के बोझ से थका महसूस करता है। ऐसे में आपका थोड़ा सा अच्छा कॉन्वर्सेशन उन्हें रिलैक्स कर देगा।
आप अपने कॉन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम अवश्य लेते रहें। वह आपकी समस्या के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ योर नेम। मैं अपने एरिया के एक डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। ये डॉक्टर ज्यादा फेमस है। दूसरे अन्य डॉक्टरों के कंपैरिजन में वह दुगने पेशेंट देखते हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से कैसे बेहतर हो सकता है? सभी डॉक्टर इक्वली क्वालिफाइड थे। हर कोई एक अच्छा डॉक्टर था। फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की। तब मैं समझ गया कि हर कोई उन्हें क्यों पसंद करता था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। पहले तो उन्होंने मेरे सिम्टम्स के बारे में बात ही नहीं की, वह मेरे काम के बारे में, कहां से मैं हूं, इन सब विषयों पर बात करते रहे। बहुत ही ध्यान से वह मेरी बातें सुन रहे थे। फिर मेरे रियलाइज करे बगैर धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स पूछ लिए। उन्होंने फिर मुझे अपनी डायग्नोसिस दे दी। इस पूरे टाइम वो बहुत पेशेंटली मेरी सारी बात सुन रहे थे। मुझे रियलाइज हुआ कि वह क्यों इतने फेमस है। इसलिए नहीं कि वह अन्य डॉक्टरों की अपेक्षा ज्यादा क्वालिफाइड थे, बस इसलिए था कि वह बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। ज्यादातर यही होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके सिम्टम्स सुनकर पर्चे में कुछ लिख देते हैं, फिर आपको भेज देते हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है। अगर आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं, तो एक अच्छे लिसनर बनिए। दूसरे इंसान को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करिए।